chapter number 8, that is diet deficiency in communicable diseases. So in this chapter, देखो बेटा इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारे फूड के जो कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड में कुछ कंपोनेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लाइक हमने पढ़ा था अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, proteins, vitamins, minerals, water, fiber, या फिर the fish. हमने इनके बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा ये हमारे खाने में यूज होती है, इनसे हमें क्या क्या हेल्प मिलती है. ओके, हमने ये पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं, उनको हम एनर्जी की फूड बोलते हैं और इनसे हमें एनर्जी मिलती है. ओके, हमने पढ़ा कि प्रोटीन्स जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं और ये हमारे बॉडी को ग्रो होने में हेल्प करते हैं. हमने पढ़ा कि वाइटमिन और मिनरल्स होते हैं, इनको हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं और ये हमें डिजीजेस से बचाते हैं. ओके, उसके बाद हमने वाटर और फाइबर और फिश के बारे में पढ़ा. वाटर के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, और फिश के बारे में हमने पढ़ा कि हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ मैं आपसे बार बार कह रही थी, मैंने आपको लास्ट में बैलेंस डाइट पढ़ाई, मैंने आपको बोला कि हमारे लिए न्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी है. अगर हम एक भी न्यूट्रिएंट मिस कर जाते हैं, मान लो हम अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स मिस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, क्या होने वाला है, उससे हमें क्या दिक्कत होगी, दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. यही सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. नाउ एक आपके ऊपर एक टॉपिक लगा है डाइट एंड डेफिशिएंसी. ठीक है, डाइट डेफिशिएंसी बेटा, डेफिशिएंसी मीन्स किसी चीज़ की कमी होना, और न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी से डिजीजेस होती हैं, उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस. ओके, तो डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स आर डेफिशिएंसी डिजीजेस. वो डिजीजेस, वो बीमारियां जो इनकी कमी से हो जाए, उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस. तो ये तो हुआ अबाउट डेफिशिएंसी डिजीजेस, ये तो डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में हुआ. अब चलो आगे पढ़ते हैं हम, इसमें और क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कॉम्युनिकेबल डिजीजेस क्या है. ये तो आपको मैंने एक मोटा मोटा एग्जाम्पल दे दिया कि ये चीज़ हम जो है वो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Now, एक बार पढ़ लेते हैं. Our food should have enough nutrients so that we grow and stay healthy. The food that we eat contains seven main nutrients. जो हम खाना खाते हैं उसमें ये seven main nutrients होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. Sometimes we feel weak and tired. Our body doesn't work with ease. Disease is the deviation of the body from its normal or healthy state. Disease usually affect people not only physically but also emotionally, as living with many diseases can alter one's perspective on life and personality. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट द डिजीजेस, हम डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे. नो, व्हाट इज डिजीज, डिजीज क्या होती है, ये तो मैंने आपको डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में बताया. डिजीज क्या है बेटा, डिजीज मीन्स इफ एनी पर्सन is unfit physically, mentally, or emotionally. Such condition is
ज्यादा किसी से बात नहीं करता, अकेला रहता है, किसी से इमोशनली अटैच नहीं है, तो ये सारी ही कंडीशन अगर खराब है तो दैट मीन्स वो पर्सन बीमार है। और यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक पर्सन जो है वो किस किस तरीके से बीमार हो सकता है, उसको क्या क्या बीमारियाँ हो सकती हैं। ओके, तो आगे जो भी है वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।